टाइम जो मैं 12 पत्थर के पास हूँ, तो ये देख सकते हैं आप घोड़े, तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल के पिकनिक स्पॉट पर होने जा रहा है, और ये कौन से पिकनिक स्पॉट होने जा रही है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। दो तीन ये पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे, मैं टूरिस्ट दिखाने वाला हूँ और थोड़ा सा मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या कितनी है, कैसे ये पिकनिक स्पॉट है और कैसे इनकी रेट है। और जो हमारा कल से लग जाएगा अक्टूबर का महीना बड़ा बिंदास होता है, बड़ा अच्छा वेदर होता है, पूरा जो हमारा जो मौसम होता है पूरा खुला हुआ होता है। नैनीताल से हिमालय दर्शन पॉइंट जैसे हिमालय की देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है, वाइट दिखता है, फिर उसकी चोटियाँ दिखती हैं तो काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, दूरबीन से भी दिखाते हैं। तो अक्टूबर में खास तौर में अक्टूबर में घूमने काफ़ी अच्छा रहता है, तो अक्टूबर में आ सकते हैं नैनीताल में घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप घूम सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो हमारा मानसून भी चली गया, बरसात चली गई है, तो कभी थोड़ी बहुत अगर बरसात भी होगी तो 5-10 मिनट की होगी। जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि थोड़ी देर की बरसात हुई थी फिर बिल्कुल धूप आ गई थी, वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि धूप कितनी तेज़ है, मेरे मुंह पे लग रही है धूप और काफ़ी गर्म लग रहा है मुझे, धूप चटक लग रही है इस टाइम। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं आज के ब्लॉग में। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ हिमालय दर्शन रोड में, ये देख सकते हैं आप सामने, ये है हिमालय दर्शन रोड और पंगुड रोड, और यहाँ से आप पंगुड भी जा सकते हैं। तो इसी के बीच में एक ये थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर यहाँ पर टैक्सी भी रोकते हैं टूरिस्टों के लिए। तो जैसा अभी सामने देख रहे हैं ना यहाँ पे झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये सामने हमारी झील बननी है, ये एक ही बननी है, एक जस्ट वो बननी है सामने। तो यहाँ भी अब आने वाले टाइम पे जो है टूरिज्म हमारा बढ़ जाएगा और टूरिस्टों की संख्या यहाँ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये झील बन जाएगी पूरी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बोटिंग चलेंगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सामने, और यहीं पर हमारी है ना करबला भी है, जो करबला है इधर से पेड़ लग गए तो वो दिख नहीं रही है अभी। और एक यहाँ पर हमारा जो ये लगाया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारे मल्लीताल में सूखाताल में स्थित ये है, और यहाँ पे काफ़ी इसका जो है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लेकिन आप इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी ये तो पता नहीं झील की, लेकिन यहाँ पे जो इससे पहले था यहाँ पे फील्ड था, फील्ड के बाद इसको झील का रूप दे दिया गया है। तो जो बरसात होती है बरसात में तो जो पानी नीचे को उतरता है तो उसमें ये भरता है पानी नीचे को। तो एक आज जो है मेरा व्लॉग ऐसी इसी पर्पज़ पे है कि आज मैं थोड़ा सा एक पिकनिक स्पॉट दिखाने वाला हूँ दो तीन आपको। तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ अक्सर रोकते हैं टैक्सी वाले, अभी एक रुकी थी एक ने तो उसने बताया और फिर वो चले गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे से मैं दिखाता हूँ आगे की खूबसूरती कैसे है, आगे टूरिस्ट कैसे हैं। तो ऐसा है नैनीताल की दूसरी झील कह लीजिए इसको, तो ये इसका यह है झील दूसरी। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम आ गया हूँ सुसाइड पॉइंट लवर्स पॉइंट के पास, और तो इसी को बोलते हैं लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट, और यह काला डूंगी मार्ग के पास, और यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी हैं अभी, ये देख सकते हो आप टूरिस्ट की संख्या। थोड़ा सा नीचे को चलते हैं और यहाँ पर जो ऐसा रास्ता है ये थोड़ा सा मैं कोने से दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिखता है, और अभी चलेंगे इधर की तरफ। तो इधर हमारा टिप्पन टॉप वाला रास्ता जहाँ से हॉर्स राइडिंग होती है, जहाँ से घोड़े जाते हैं, तो इधर से जाते हैं जहाँ इनका घोड़ों को बना हुआ है ये। तो स्मेल बड़ी गंदी आती है अभी, तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो इसी जगह को बोलते हैं सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट, और कुछ ऐसा रास्ता इसका बना हुआ है और यहाँ से खाई दिखती है। तो अभी खाई दिखनी क्योंकि धूप पड़ ली है ना, धूप से अंधेरा हो जा रहा है इधर की तरफ यहाँ पे भी, तो ये देख सकते हैं आप। और मैं आ गया हूँ इसके लास्ट कोने में, और यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको। तो इस तरीके से यहाँ से दिखता है, अभी यहाँ पे हल्का हल्का फॉग कोहरा लगा हुआ है तो कुछ नहीं दिख रहा है। और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ से तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से हमारी दरगाह भी दिखती है और गुम्बद तो दिख नहीं रही है तो, बट यहाँ पर दिख रही है, एक गाड़ी खड़ी हुई है, दो बाइकें खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर तो एक हल्का सा घर दिख रहा है। तो ये हमारा कब्रिस्तान भी है, और जो है नैनीताल की दरगाह है वो यहीं पे स्थित है। तो वो कुछ इस तरीके से है नज़ारा, ये देख सकते हैं आप इधर की तरफ का ये। तो थोड़ी धूप पड़ रही है ना, धूप से नहीं दिख रहा उतना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तुम आ गए हो ऊपर की तरफ,
तो यहाँ देख सकते आप कितनी भीड़ है टूरिस्टों की। ये देख सकते आप, तो थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से है ये। ये देख सकते आप, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आगे कैसा नजारा है। और इस टाइम में निकल गया हूँ रोड में, जो हमारी काला ढूंगी की रोड है, यहाँ पे आ गया हूँ। अब चलते हैं हॉर्स राइडिंग की तरफ, जैसे घुड़सवारी होती है। ये देख सकते हैं आप, तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप घोड़े, तो यहीं से हॉर्स राइडिंग होती है। मुझे डर भी लगता है कभी लात ना मार दें। तो ये देख सकते हैं कैसे खड़े हुए हैं ये, ये देख सकते आप। और यहाँ से मिलता है टिकट अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो, ये देख रहे हैं यहाँ से टिकट, तो यहाँ से मिलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट और 760 रुपये इसका आना जाना है। और मैं बताऊँ कहाँ टिप्पन टॉप तक है इसका जाना, और यहाँ से होती है हॉर्स राइडिंग, देख रहा हूँ। और ये देखने में कितने तंदुरुस्त लग रहे हैं ये घोड़े हमारे। तो आजकल शायद टूरिस्ट कम है तो इस वजह से घोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो टूरिस्ट ज़्यादा होते तो ये सब जाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं। तो ये देखिए अभी आ रहे हैं हॉर्स राइडिंग करके टूरिस्ट सामने, ये देख सकते हैं। तो ये गए होंगे ना टिप्पन टॉप तक गए होंगे और वहाँ से आ गए होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया 760 रुपये प्रति घोड़ा आना जाना। और यह है रास्ता टिप्पन टॉप का, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से ना थोड़ा धूप है इसलिए बिल्कुल सही सा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो इसे ही बोलते हैं जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था वो लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट, और जहाँ से हॉर्स राइडिंग होती है तो यहाँ से होती है हॉर्स राइडिंग। तो इसका भी मैं व्लॉग एक बहुत पहले बना चुका हूँ, अगर वो आपको देखना है तो वो जाइए मेरे चैनल में जाकर आप उसका व्लॉग देख सकते हैं। पहले मैं आके एक स्पेशल व्लॉग बना चुका हूँ यहाँ पे घोड़ा स्टैंड का। तो काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, और अभी आपने देखा कि यहाँ पे भी पर्यटक मौजूद है, तो इसे भी पिकनिक स्पॉट के तौर पे भी लिया जाता है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे नैनीताल में पिकनिक स्पॉटों में टूरिस्ट घूम रहे हैं, तो एक दो पिकनिक स्पॉट ये भी हैं, तो यहाँ भी लोग घूम रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैसे जो टूरिस्टों में फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो काफ़ी यादगार पल अपने संग वो यहाँ से ले जाते हैं। इस टाइम जो मैं बारह पत्थर के पास हूँ, और जो चौराहा है
तो यहाँ पे ना एक हल्की सी गुफा है, तो यहाँ से कहते हैं बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट चढ़ के फोटो भी खिंचाते हैं और इसका हवा का भी अनुभव लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं अनुभव तो मैं लूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ठंडी हवा कहाँ से आती है। बड़ा डेंजर है और वाकई ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया, खुद ही बनी भी है ये, जो यहाँ से खड़े थे यहीं पे नीचे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए चढ़ रहे हैं लोग ये, और यहाँ से जब आएंगे ऊपर को चढ़ेंगे तो यहीं पे है ये हवा का ठंडी ठंडी, अभी तो नहीं आ रही है, यहाँ से आती है हवा, ये देख सकते हैं ये, तो इसके अंदर यहाँ से जो आती है ठंडी ठंडी हवा निकलती है। तो इस तरीके से नेचुरल चीज़ है ये, और अभी मतलब हल्की ठंडी हवा आ रही है, लेकिन एसी जैसी हवा, जैसे एसी में निकलती है ना हवा वैसी ही निकल रही है, और एसी जैसी हवा दिख रही है अभी, और तो आप तो व्लॉग में देख रहे हैं लेकिन महसूस मैं कर रहा हूँ इस टाइम। तो यहाँ से आती है तो सही, तो यहीं पे जो है टूरिस्ट आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो है छोटी मोटी दुकान भी लगी हुई है, भुट्टे की इधर, मोजे की इधर, भुट्टों की, ये तो ये देख सकते हैं आप, और ये जा रही है हमारे पंगुट को, ये है सामने, तो यहीं से आ रही ठंडी ठंडी हवा, तो इसको भी एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ को। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, फाइनली यहाँ पर जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे व्लॉग उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ ना कुछ आपको व्लॉग में अगर अच्छा लगता है तो कॉमेंट करके आज से बताना ज़रूर कि जिसान भाई आपके व्लॉग में आज हमें ये अच्छा लगा, मतलब डेली व्लॉग मेरे आते हैं तो कुछ ना कुछ मैं यूनिक करता हूँ, तो आप मुझे बताना कि मैं आपके मेरे व्लॉग में आपको क्या पसंद आता है, तो वो कमेंट करके मुझे बताना। जो लोकल के लोग देखते हैं, नैनीताल के लोग देखते हैं या दूर दराज से देखते हो, तो मैं शहर का भी नाम लिखा करूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस जगह से देख रहे हो और मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मैं यूनिक करता हूँ अपने रोज़ व्लॉग में, कुछ ना कुछ मैं नयापन लाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।